राम जी सारे नाम आपका अपना सुमित कुमार और आप सभी कार्तिक बमने व्लॉग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों इस वक्त हम आए हैं किसान सेवा केंद्र गांव धनाना में और यहां पर खीरे की खेती की जाती है और यहां पर पप्पू और क्या नाम आपका विजय से आपकी बात करवाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना देना चाहता हूँ 100 क्विंटल खीरे। कितने क्विंटल खीरे हैं ये खीरे है 16 क्विंटल 27 किलो 16 क्विंटल 27 किलो खीरे न तोड़ लिए है। तो आप देख सको हो ये 10 केजी की एक थैली है, 15 केजी एक थैली है। तो आप देख सको हो मैं अपना बता दूं ये खीरे की बेल यहाँ पर लगाई गई है तो इसमें क्लोज कर दिया है। तो थोड़ी मैं दिखा दूं आपने देख सको हो ये खीरों की बेल लगाई हुई है यहाँ पर पोलियो हाउस में। तो यहाँ से खीरे तोड़ लिए गए हैं और तोड़ करके मंडी में ले जाने के लिए बाहर रख दिए गए और अभी गाड़ी में लोड किए जाएंगे। तो बने रहे हो हमारे साथ और भी अपने दिखावाएंगे कुछ नई चीज़। तो ये हमारे साथ आर्यन नागर भी आए हैं। आर्यन नागर कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा एफ आर एम पे आ करके? बहुत बुंडा। क्यों? बहुत अच्छा। अच्छी के खरीद खीर रखा गया फिर बुंडा बताओ। इसको बोलते पप्पू क्या बोलते इसको बताना? पहले तो खीरे भी खा ली। स्वार्थी, ये अपना स्वार्थ देखा है। तो और भी कुछ दिखाना चाहेंगे? इस वक्त शाम का टाइम है और बहुत हमारा ऑफिस है, इसे ऑफिस बोलते हैं। ये हमारा ऑफिस भाई, यहाँ पर पप्पू हिसाब किताब रखता है सब चीजों का। ये ट्रैक्टर खड़ा है, इससे काम करते हैं खेत में। हेलो। और पप्पू बताओ आज मुंबई जीत गया? मुंबई नहीं, इसके बारे में बताओ, खेत के बारे में। भाई यहाँ पर पानी जो है मीठा पानी नहीं है, बहुत दूर से पानी लेके आते हैं पीने का या लगाने का? पीने का भी और लगाने का भी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ भैया, तो खीरा कब लगाया था आपने? खीरा लगाया था ये फरवरी में। अच्छा, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई 4-5 महीने हो गया। हाँ, 4 महीने में तैयार हो गया हुआ। 4 महीने में खीरा हो लिया अपना, ये खीरा एंड होने वाला है। इसमें अभी लगाया है 1 हफ्ते पहले। अच्छा, इसमें कितनी आमदनी हो गया अपने? ठीक है। और अंकल जी ठीक हो? खीरे में बड़ी आमदनी है अपनी, 400 प्लस खीरा निकल जाता है 1 एकड़ के अंदर से। अच्छा, मान ली इसमें अपनी लागत का बात कराए, 1 एकड़ में कितनी लागत हो जाए? 1 एकड़ में करीबन भाई आपका बीज आता है 54,000 का बीज आएगा। अच्छा अच्छा, और इतने की खाद दवाई लग जाए हैं 54,000 का। तो उससे मान अपनी आमदनी मान के चल रहा 4 महीने बाद में 4-5 महीने तक जो ले है खीरा सारा तोड़ लिया तो आमदनी कितनी हो जाए खर्चा ने काट के? आमदनी हो जाए भाई वो बढ़िया रेट मिल गया तो 5-7 लाख रुपए की। 5-7 लाख रुपए की? हर सरकार की तरफ से भी कोई सब्सिडी वगैरह? हाँ हाँ मिलती है, बीज पे भी मिल जाती है और जो खाद है उन पे भी सब्सिडी मिला है और ये नेट हाउस लगाने में भी सब्सिडी मिलती है। अच्छा अच्छा, तो क्या है मतलब? 65% सब्सिडी है। अच्छा, क्या है मतलब? आप अच्छा खासा मुनाफा मेहनत करके और ये काम करके कमा सका? जी बिल्कुल। तो मेहनत तो देखो करनी पड़ती होगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है। और क्या कुछ लगा रखे अपन? अपन शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, करेला है, घिया है, तोरी है, कद्दू है, कोहड़ा है, तो टमाटर है। तो आप बात कराएं तो लोग कहो भाई ये नहीं खानी चाहिए मंडी माँ, भाई ये यूज केमिकल ज़्यादा यूज करें। तो आप पापा बात करें अपना फार्म की, अपना फार्म में कितना केमिकल यूज होगा? मालिक कहते हैं ये जहरीली दवाई यूज हो या सिंपल तरीका था? जहरीली दवाई तो यूज करते नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, जो भी बाकी जो DAP वगैरह है, यूरिया है, इनका भी आप ही सेवन नहीं करते हैं। अच्छा, तो भाई बढ़िया, अच्छा तरीका था अपने आड़ मिला है, देसी खाना है, बिल्कुल देसी सब्जी, ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक। अच्छा अच्छा, तो ये भाई गाड़ी आ रही है देख सको, और ये यहाँ पर